दोस्तों Redmi अपना पहला 5G स्मार्टफोन इंडिया में और ग्लोबली जल्द ही लॉन्च करने वाला है, ये कंफर्म किया है इसी के जनरल मैनेजर व्लू वी बिंग ने अपने ऑफिशियल वेबियो वेबसाइट पे। तो ये स्मार्टफोन K20 का सक्सेसर K30 मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है, जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन का अपकमिंग 855 प्रोसेसर, इसके साथ डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो क्या है दोस्तों इसी स्मार्टफोन का ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस, ऑफिशियल प्राइसिंग और इंडिया में स्मार्टफोन कब तक लॉन्च हो सकता है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें इसके डिजाइन से, तो एक ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक फिनिश मेटल डिजाइन के साथ आएगा, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ हो सकता है, जैसा कि K20 में दिया गया था, जो कि 3 कलर वेरिएंट होंगे, ग्लॉसी रेड, ग्लॉसी ब्लू और डार्क ब्लैक। इसके साथ ही फ्रंट में आपको एक 6.55 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का अपकमिंग 865 प्रोसेसर इसमें दिया जाएगा अगर लॉन्च होता है तो, नहीं तो स्नैपड्रैगन का 855 ही रहेगा, जैसा कि K30 में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल और फ्लेक्सिबल प्रोसेसर माना जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज यानी कि मेन सेलिंग पॉइंट की। तो इसके फ्रंट में आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि रिसेंटली वीवो V17 प्रो में आने वाला है। इसके साथ रियर साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 64 मेगापिक्सल होगा प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल होगा एक डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल होगा एक माइक्रो लेंस। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो रिसेंटली ट्रेंड के अकॉर्डिंग एंड्रॉइड 10 ही इसमें देखने को मिलेगा, जैसा कि रेडमी हमेशा अपने फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन में प्रोवाइड करती है। इसके साथ आपको MIUI 11, साथ में टाइप सी पोर्ट और फनटच OS का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ स्टोरेज और रैम वेरिएंट की बात करें, तो दो रैम वेरिएंट स्टोरेज के साथ आएगा, 464GB एंड 6128GB। दोस्तों बात करें अगर इसके प्राइसिंग की, तो 20 से 25000 के रेंज में इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इतने ही कम प्राइस में आपको सबसे पहले डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, इसके साथ क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन का अपकमिंग 865 प्रोसेसर, एंड्रॉइड 10 और सबसे इम्पोर्टेंट 5G देखने को मिल जाता है, जो कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन की कंपनियां नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो इंडिया में अभी इसका लॉन्च डेट और ग्लोबली कोई कंफर्म नहीं है, बट 2020 के स्टार्टिंग क्वार्टर तक आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों यही था Redmi K30 का कुछ लीक्स, स्पेसिफिकेशंस, ऑफिशियल रूमर्स। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ ग्रेट डे।